एक बार फिर अमेरिका में पीएम मोदी की धमक देखने को मिलेगी। दरअसल अमेरिका के ह्यूस्टन में 22 सितंबर को जब पीएम मोदी हाउडी मोदी रैली को संबोधित कर रहे होंगे, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम कई मायनों में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार भारत समुदाय के 50,000 से ज्यादा लोगों को दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेता एक साथ संबोधित करेंगे। व्हाइट हाउस ने इस इवेंट को भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने वाला बताया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मोदी और ट्रंप की ये ज्वाइंट रैली भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने का अहम मौका साबित होगी। इधर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति के हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर खुशी जताई है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, अमेरिका के राष्ट्रपति का ये फैसला भारत और अमेरिका के बीच खास दोस्ती का संकेत है। ह्यूस्टन में मेरे साथ अमेरिकी राष्ट्रपति का मौजूद होना अमेरिकी समाज और अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय के योगदान को मान्यता देता है। ह्यूस्टन में आयोजित कम्युनिटी प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे, इससे काफी खुश हूँ। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काफी उत्साहित हूँ। 2014 में पीएम बनने के बाद ह्यूस्टन इवेंट पीएम मोदी का तीसरा बड़ा कार्यक्रम होगा। वही 2019 में दोबारा चुने जाने के बाद अमेरिका में पीएम की इस तरह की ये पहली रैली है। जाहिर है पीएम मोदी के इस मेगा इवेंट पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी और पाकिस्तान में खलबली। बहरहाल जब दुनिया की दो सियासी महाबली एक मंच पर होंगे तो खलबली मचना भी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।